आपके मतलब प्रॉपर कहानी क्या है? सो सर, आपके अब्बू ने आपको क्या बताया कि मैंने तुम्हारे एक लड़की टीवी पे देखी है? नहीं, जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, मैं एक ब्रेक में आया था, सरप्राइज दिया था जी, जी। और आई वाज जस्ट सिटिंग और फादर ने लाइक मोबाइल पे पिक्चर निकाली, उन्होंने पिक्चर भी कहीं से सेव की, कहते हैं ये लड़की देखो ये कैसी है। मैंने कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा फादर लड़की दिखा, मैंने कहा हाँ अच्छी है मुझे जो पिक्चर भेजी गई जुनैद की, जे के कहते हैं, वो भी मेरे अब्बा के नंबर से, बाबा सेंट मी फॉर द पोस्ट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि मेरी अम्मा मुझसे बात करें। मेरे अब्बा ने मुझे भेजी, ये देखो भाई ये लड़का है, हम कंसिडर कर रहे हैं, वो इस तरह वाला था। तो हमारे अब्बा सुपर एक्टिव, और अब्बा ने पिक्चर्स दिखाई और वो फिर रूम से चले गए। मैं कंफ्यूज था, मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है, उन्होंने लड़की देखी है, वो चाह रहे हैं। मैंने कहा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैं बाहर पढ़ रहा हूँ अभी, और मैंने ना देखी है ना मैं जानता हूँ कौन है। तो फिर मैंने कहा यार प्रोग्राम दिखाया अब्बा ने, फिर कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, उन्होंने बस दिखा दिया कि ये है। मैंने कहा कि आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि चलो देख लीजिएगा, मेरा सिर्फ ये कहना था कि देख लीजिएगा। अम्मी ने कहा वो कह रहा है देख लीजिएगा, वो समझे कि हाँ कर दी है भाई इसने तो देख लेते हैं इसको फिर। अच्छा, और फिर एक ही हफ्ते के अंदर, हाँ, बातचीत हुई। अच्छा, अब ये कहानी तो आपकी होगी ना कि अब्बू ने आपको और इस तरह दिखाया, आपके अब्बू ने आपको कैसे दिखाया, आपको आपने भी बोला देख लीजिएगा या क्या? अच्छा, क्या सीन था कि मैं जब ये सारा डन हुआ ना, उससे कोई अ वीक बिफोर मैं अपनी दोस्त के घर बैठी हुई थी, तो हमारा एक स्लीप ओवर चल रहा था, हमारी सारी फ्रेंड्स इकट्ठी थी, तो उसकी अम्मा बैठी हुई थी, तो मैं उन्हें कह रही थी कि वो मेरी फ्रेंड जो है वो कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, तो हमने कहा अब हम तो भी अपने करियर में बिजी हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, तो इसकी आप ना शादी कर दें। तो उन्होंने कहा आपने नहीं करनी। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा तो अभी 5 साल कम से कम कोई प्लान नहीं है शादी का। एंड कुड यू बिलीव दैट कि उसके को 10 दिन बाद मेरा निकाह हो गया था, एंड शी कॉल्ड मी, तुम तो मुझे कहते तुम्हारा 5 साल का कोई प्लान नहीं था, ये क्या हुआ है? सो इसको देखो कितनी खुश हो रही है अम्मा की कहानी सुन के। तो कहते हैं ना जब लिखी हो तो बस वो हो जाती है, आपके प्लान सारे धरे के धरे रह जाते हैं। देयर इज अ टाइम, अल्लाह ने, आप फौरन मान गई थी। अच्छा, वो जब आया, हालांकि दिस इज व्हाट मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताया कि कोई प्लान नहीं था मेरा शादी करने का इतना जल्दी, लेकिन जब होनी होती है ऐसे हो जाता है। सो जस्ट मेरे अब्बा ने भेजी पिक्चर्स और कहा कि अच्छा ये आई न्यू द फैमिली, अच्छा मुझे पता तो था, बट आई नेवर मेट हिम, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। तो लाहौर में थी, मैं पढ़ रही थी और साथ में जॉब भी कर रही थी, अब्बू की फैमिली के वो मियाँ वाली थे, तो उन्होंने मुझे वहां से व्हाट्सएप की पिक्चर्स, ये एक रिश्ता, ये देखो ये मेरी तरफ से यस है, तुम अपना बताओ कि क्या क्या। तो उन्होंने मुझे जो जो थी ना ये टिक टिक क्वालिटीज, ये है, सो यू टेल मी, इस बेसिस पे मैं क्या आपको बताऊँ, मैं कुछ कोई बात हो, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तो उधर से फिर अम्मा ही नहीं, मैंने इस्तखारा कर लिया, बड़ा अच्छा है, इस्तखारा भी बहुत अच्छा है, लड़की को बताए इस्तखारा भी बहुत अच्छा है। सो वो बस कहते ना, इट वाज सो सडन कि समझ भी नहीं आई कि आप लोगों की फिर कोई लाइक जब ऐसी बात हुई तो फिर मुलाकात करवाई शादी से पहले? हाँ, फिर ये था कि यानी बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ये लोग कराची थे तो फंक्शन हमारा लाहौर में होना था, तो हमारी मेरी फैमिली भी आई, ये लोग भी लाहौर आए, तो वो बस कहते ना कि निकाह से कुछ एंगेजमेंट हो रही है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो निकाह भी कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद बाहर सेटल हो जाए, सडन था मेरे फादर की तरफ से और इनके फादर की तरफ से, वहां पे आप दोनों के अब्बाओं की प्लानिंग थी, मुझे लगा वो उन्होंने आपस में जोड़ा हुआ था पहले एंगेजमेंट का, कहा कि चलो ठीक है, और जब हम लोग जा रहे थे जब स्टेज की तरफ, तो उन्होंने कहा कि तू निकाह है, मैंने कहा इतना बड़ा फंक्शन है, उन्होंने कहा निकाह करते हैं हम लोग, और निकाह हो गया फिर। ओह माय गॉड, लुक एट हर, शी इज सो एक्साइटेड, इस वक्त सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रही है कहानी सुन के वो इजा है। ओह माय गॉड, वरना बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने अम्मा अब्बा की फेरी टेल सुन रही है, प्रिंस आए, प्रिंसेस को ले गए, है ना। और मेरे फादर ने जो बेस बनाई थी इस पूरे ये कहानी से पहले, कि मैं पिक्चर्स दिखाने से पहले, मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जी, तो उनसे कम्युनिकेशन गैप ये होता है ना कि वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं जी,
तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से एक दिन कॉल आती है, एंड ही वाज लाइक, और यार कैसा है, ठीक है? आई वाज लाइक, यार कैसा है ये फादर, ये बड़ी किस कहां से बड़ी कैसे बन गए? कहते तुमसे बात करनी है मैंने. मैंने कहा हां कर रहे हैं बिल्कुल. कहते हैं ये बता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की वड़की है, कोई पसंद की है? मैंने कहा ये कैसा सवाल है, मेरे को कॉम्प्लेन लगे. आई वाज शिफ्टिंग सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं है. कहते नहीं नहीं दोस्तों की तरह पूछ रहा हूं, बता दो. मैंने कहा सच बता रहा हूं, कोई भी नहीं है. कहते अगर हो तो मुझे बताना. उन्होंने ये कंफर्म करना था कि कोई है तो नहीं. जब कंफर्म हो गया ना, फिर जब मैं आया तो उन्होंने बेस बना लिया. ये हो सकता है, अब डन.